आज हम गए थे अपने सब्जी वाले के यहाँ, तो सब्जी वाले तो नहीं थे लेकिन उनकी पत्नी थी और भी लोग थे, और बहुत अजीब सा था, लेकिन हम मैरी को बोले कि भाई सॉरी बोले, तो उन्होंने कहा कि भाई वो हैं, तो उन्होंने कविता दी जो मैरी एलिजाबेथ फ्राई की कविता है, और बहुत सुंदर कविता है। मैरी एलिजाबेथ फ्राई अमरीकी कवियत्री हैं, उनकी बड़ी फेमस कविता है। तो She died in 2004. उन्होंने ये एक पर्चा बनाया था जिसमें ये कविता है और ये फोटो है, तो आज ये कविता ही सुनिए। James Richard Schneider, January 10, 1960, May 26, 2019. Do not stand at my grave. Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep. I am a thousand winds that blow. I am the diamond glint on snow. I am the gentle showers of rain. I am the field of ripening grain. I am in the morning hush. I am in the graceful rush of beautiful birds in circling flight. I am the starshine of the night. I am in the flowers that bloom. I am in a quiet room. I am in the birds that sing. I am in each lovely thing. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. इसी का मैं हिंदी में कर देता हूँ जो मेरे से होगा हाथ के हाथ। मेरी कब्र पे खड़े मत होना, मेरी कब्र पर खड़े मत होना और रोना मत। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। मैं उन हज़ारों हवाओं में हूँ जो बह रही हैं। मैं बर्फ़ में चमकता हुआ हीरा हूँ। मैं बरसात की फुहारों में हूँ। मैं पके हुए गेहूँ की बालियों में हूँ। मैं सुबह की हड़बड़ी में हूँ। मैं सुबह की गरिमापूर्ण हड़बड़ी में और हश में हूँ। उन पक्षियों की उड़ान में हूँ, उन सुंदर पक्षियों की उड़ान में हूँ। मैं रात की चमक में हूँ। मैं उन फूलों में हूँ जो खिल रहे हैं। मैं एक शांत कमरे में हूँ। मैं उन पक्षियों में हूँ जो गीत गा रही हैं। मैं हर सुंदर चीज़ में हूँ। मेरी ग्रेव पे खड़े होकर रोना मत। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ।